सो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैं अध्यापक नहीं हूं, लेकिन उस कुर्सी में बैठ चुका हूं जिसमें आज आप बैठे हुए हैं। एक समय मैं भी एक स्टूडेंट था, मैंने 2003 में, जैसा कि सर ने बताया, उनके साथ में एग्जाम ये क्लियर किया था। इस एग्जाम के अंदर एक खास बात है, वो खास बात यह है कि हमें लगता है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। क्या है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये कहा जाता है ना, इट इज नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम। क्या आपके साथ में बैठा हुआ जो स्टूडेंट है उसके परफॉर्मेंस को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? नहीं, राइट? किसका परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हम अपना, सिर्फ खुद का। तो फिर कॉम्पिटेटिव कैसे हुआ? किससे कंपीट कर रहे हैं हम? खुद से। सो ये एग्जामिनेशन के अंदर ये सबसे खास बात है, लगता है कि ये कॉम्पिटेटिव है, असल में एग्जाम खुद ही देना है और खुद के अगेंस्ट ही देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो विजय सर ने बोली थी, विशाल जोशी सर ने बोली थी, दैट वाज रिगार्डिंग डिसिप्लिन। इस एग्जाम के अंदर टॉप रैंक लेके आने का सबसे बड़ा जो मंत्र है जो मैं आपको दे सकता हूं वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन खुद ही आएगा और खुद के लिए आएगा। थिंक ऑफ इट लाइक एक, वो हमेशा एग्जाम्पल देता हूं मैं, एक मैराथन रेस का है, एक लंबे डिस्टेंस की रेस है जो हमें रन करनी है। क्या उस रेस के अंदर दौड़ने की तैयारी में, अगर मेरे को कल दौड़नी है, क्या मैं आज शुरुआत कर सकता हूं उसकी तैयारी? मुझे उसकी तैयारी बहुत पहले करनी पड़ेगी, एक साल पहले से उसके हिसाब से दौड़ना शुरू करना पड़ेगा, अपने शरीर को योग्य बनाना पड़ेगा कि वो शरीर इस तरह की एक प्रतिस्पर्धा में भाग ले सके। ये है इस एग्जाम की खासियत। और उस एग्जाम को मैं कंपेयर कर रहा हूं मैराथन से, इसलिए क्योंकि मैराथन भी लगता है कि कॉम्पिटिशन है, पर अंत में दौड़ आप अकेले रहे होते हो। आपके आसपास जो लोग दौड़ रहे होते हैं, आप ना उनके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ना उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। हो सकता है अभी कोई मेरे से दौड़ के आगे तेजी से जाता हुआ दिख रहा है, वो बीच में थकेगा जरूर, और जिस समय वो थका उस समय अगर मैं दौड़ रहा हूं, उस समय तक अगर मैं दौड़ पा रहा हूं, मैं उससे आगे जाऊंगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। हमारी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसा कि सर ने बोला था, ये मोटिवेशन लेवल या ये मोटिवेशन लेवल, ये नहीं चलेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ये साल तपस्या का है और तपस्या लगातार करनी है। 15 घंटे लिखा हुआ था ना स्क्रीन पे कि 15 घंटे करना है। मेक अ टाइम टेबल, एक टाइम टेबल जिस टाइम टेबल के साथ में अपन जुड़े रहें, लगातार उसको फॉलो करते रहें, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आपके कोई खास दोस्त हैं जिनके साथ में आपको समय बिताना है, मेक श्योर योर टाइम टेबल्स आर इन सिंक। ये नहीं कि जिस समय वो फ्री है और आपका पढ़ने का समय है वो समय जा रहा है। थोड़ा सेल्फिश होना बनता है और बनना पड़ेगा। अपन सब लोग अपने अपने फ्यूचर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं, दे आर ऑलवेज गोइंग टू गाइड यू विद रिस्पेक्ट टू आपको पढ़ना क्या है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये थोड़ा बहुत आपको अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, वो समय पैदा करना पड़ेगा। हर एक के पास 24 घंटे हैं, टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को कैसे काम में लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो क्रिएट अ टाइम टेबल, बी डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन को मेंटेन करिए लगातार, कंसिस्टेंटली। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, लगातार साल भर तक, कम से कम एक साल तो दीजिए इसको ढंग से, देखिए शायद कुछ ढंग का निकल के आएगा। ये डिसिप्लिन सिर्फ इस एग्जाम के लिए काम का नहीं है, जीवन में काम का है। मुझे जो सीखने को मिला है वो ये है, आज भी मुझे ये लगता है कि मेरे पास में दिन में 24 घंटे हैं, मैं शायद उसको दूसरों की अपेक्षा बेहतर काम में ले पाता हूं। क्यों? क्योंकि एक समय के साथ में बंध के चलने वाला व्यक्ति हूं और मैं वही चाहता हूं। वो एक चीज है, अगर और कुछ नहीं, ये चीज आप लोग सीख लो इस एग्जाम के प्रिपरेशन के थ्रू, हाउ टू मेक यूज ऑफ योर टाइम। दैट इज द बिगेस्ट थिंग दैट आई कैन टेल यू, हाउ टू गेट अ गुड रैंक। अच्छी रैंक चाहिए, उसके लिए हमारे लिए ये जरूरी है, एक डिसिप्लिन, एक फोकस और लगातार निरंतर। मूड स्विंग्स आएंगे आपके पास में, आपके टीचर्स मौजूद हैं टू हेल्प यू विद डिफरेंट थिंग्स। कभी मन ना लगे, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कैसे मन लगा है। हर तरह की काउंसलिंग अवेलेबल है मोशन के अंदर, लेकिन मन लगाना अपन को पड़ेगा और नतीजा उसी से निकल के आएगा। सो ज्यादा लंबी बात मैं नहीं करना चाहता था, बिकॉज अभी आप लोग शुरुआत कर रहे हैं और काफी लोग कुछ हमारे साथ में पहले से भी जुड़े हुए हैं। अभी एक वर्ष है, एक वर्ष छोटा समय नहीं है। मेक बिल्ड हैबिट्स, अच्छी हैबिट फॉर्म करिए। ये कहा जाता है 21 दिन तक हमने जो काम कर लिया वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाता है,
फिर हमें उसे करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ 21 दिन के लिए एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करिए, दैट टाइम टेबल विल बिकम योर कैरेक्टर। सो बिल्ड योर कैरेक्टर टू बिकम द टॉपर। टॉपर किस किस को बनना है? एग्जैक्टली हर एक को बनना है और बन के रहेंगे। बनेंगे कि नहीं? थैंक यू सो मच।